वो मुझसे मिलने आ रहे हैं, मुझसे मिलने आ रहे हैं, लेकिन लेकिन क्या? जब आपने मुझे समझाया तो मैंने घर जाके बहुत सोचा और मुझे यही समझ आया कि मुझे कोर्ट नहीं जाना चाहिए। मना कर दिया मैंने अब्बू को। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया कि तुमने अपनी अना का मसला नहीं बनाया। और वैसे भी आयजा, अमार तुम्हारा शौहर है, तुमने उसके साथ वक्त गुजारा है, इज्जत की है दिल से उसकी। जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता वो तुम्हारा शौहर ही रहेगा। और वैसे भी मियां बीवी के झगड़े चार दीवारी में ही अच्छे लगते हैं। नहीं, क्यों मुझे उलझन सी हो रही है? उलझना नहीं है तुम्हें आयजा, तुम्हें खुद को बहुत मजबूत करना है, समझ रही हो? हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा, किसी भी सूरत तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना। लेकिन अमार, रिसीव करो। हेलो, वो मुझसे मिलने आ रहे हैं, मुझसे मिलने आ रहे हैं, लेकिन लेकिन क्या? ये बात ठीक है कि वो मेरे शौहर हैं, लेकिन आज से पहले मैंने कभी भी अम्मी अब्बू को कुछ बताए बगैर कदम नहीं उठाया। आज अम्मार से मिलने जाना, अगर मैं उन्हें बता देती पता नहीं कैसे रिएक्ट करते वो, शायद सख्ती से मना कर देते मुझे। कुछ नहीं कहेंगे अम्मी। और देखो, तुमने कहा ना कि तुम उलझी हुई हो, कोई फैसला नहीं कर पा रही, और तुम्हारे पेरेंट्स ये बातें सब समझ रहे हैं। वो तुम्हारी मर्जी में ही हाँ भरेंगे, तुम बेफिक्र हो जाओ। सच कह रही हैं आप, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बात करूंगी उनसे। ये कोई छोटी बात नहीं है आज। देखो, अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला तुम्हें खुद लेना है। सबसे पहले तो तुम खुद को मजबूत करो, और तुम मजबूत हो, हर लिहाज से परफेक्ट हो, बस थोड़ी हिम्मत बढ़ानी होगी तुम्हें। तुम एक काम करना, तुम उसकी सारी बातें सुनना, उसकी सारी बातें सुनने के बाद तुम्हारे दिल में जो पहली बात आए ना, बस समझ जाना कि तुम्हारा वही फैसला है। Hi everyone, this is Kubra Khan. Do subscribe to the ARY channel on YouTube to watch episodes of Cynthia Hunt or any other update.